हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो i3s वाली बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि बाइक को स्टार्ट करो, बाइक स्टार्ट होती है बट जैसे ही हम रेस देते हैं बाइक अचानक बंद हो जाती है। स्टार्ट होती है, रेस होती है और बंद हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। तो चलो मैं आप लोगों को बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम, आप लोग पहले समझो। बाइक का सेल्फ मारते तो सेल्फ नहीं काम कर रहा है, साथ बैटरी वीक है। तो चलो किक मार के स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है और जैसे ही रेस देंगे बाइक बंद। ये देखो ये प्रॉब्लम है, एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट हो गई, देखो अभी रेस दे रहा हूँ तो रेस तो हो रही है। अब देखो ये इस तरीके से प्रॉब्लम, जब हम रेस देते हैं देखना बंद हो जाएगी, जैसे फास्ट करेंगे बंद। देखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बाइक इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को ये बताते हैं। देखो बाइक को स्टार्ट करना है, बाइक स्टार्ट हो गई। अब आप लोग देखना प्लग के यहाँ पे टॉप पे देखना करंट वीक होगा, देखना इंजन में करंट निकलेगा। ये देखो यहाँ पे आप लोग गौर से देखो करंट वीक कर रहा है, करंट निकल रहा है। अभी आप लोगों को बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो ये निकला, ये निकला, ये देखो ये निकल रहा है। जैसे करंट निकल रहा है बाइक बंद होने वाली है, ऐसा होता है। देखो देखो ये देखो ये करंट वीक कर रहा है। ये देखो निकला भी। तो इस तरीके से बाइक प्रॉब्लम करती है, मतलब जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट तो हो रही, जैसे ही रेस दे रहे हैं तो बाइक बंद हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि पिकअप वगैरह कुछ नहीं पकड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना आप लोगों को ये बताता हूँ। तो यहाँ पर हम प्लग टॉप जो हमारा लगा होता है पहले हम इसे निकाल लेंगे, इस तरीके से ये प्लग कैप निकल जाएगा। ये देखो इसमें एक स्क्रू होता है और इसमें प्रॉब्लम ये कब होती है जब इसमें पानी चला जाता है। तो अभी इसमें पानी ही गया, ये प्रॉब्लम इस वजह से कर रही, बरसात का टाइम है तो पानी इसमें चला गया। तो ये प्लग कैप को अगर आप लोग चाहो तो नया डाल सकते हो और अगर ना चाहो तो आप लोग इसे ही सही कैसे कर सकते हो आप लोगों को वो बताऊँगा। तो क्या करना है देखो, ये प्लग टैप कैप को लगाना है और लगाने के बाद क्या करना है, पूरे में टेप मार देना है। इसके ऊपर टेप मार दोगे तो आपको जो करंट है वो वीक नहीं करेगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें नया प्लग टैप डालने वाला हूँ, ये नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ नया लगा के प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती, कि वही प्रॉब्लम है फिर से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें नया प्लग कैप लूँगा, ये वाला प्लग टॉप जो हमारा होता है ये वाला नया मैं लगाऊँगा और देखता हूँ। ये देखो ये मेरे पास नया प्लग टॉप, तो मैं इसे खोल लेता हूँ और उसके बाद इसको लगा के हम इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व देखते हैं होती है या नहीं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना, दोनों सेम है, ये देखो दोनों सेम है। ये प्लग टॉप जो हमारा है, प्लग कैप टॉप दोनों ही बोलते हैं इसको, तो ये नया वाला जो है मैं इसे फिटिंग करता हूँ और फिर देखता हूँ प्रॉब्लम जो हमारी है वो कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से लगा लेते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे स्क्रू है, ये देखो ये स्क्रू आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वायर में क्या होता है टाइट हो जाता है, जब हम इसे घुमा घुमा के लगाएंगे। इस तरीके से लगाया और इसे घुमा दिया, ये घुमाते चले जाएंगे और ये टाइट होते चले जाएगा, वायर जो हमारी है वो स्क्रू में चढ़ती चली जाएगी, चढ़ गई। इसके बाद ये प्लग टैप को लगा दिया है और अब देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके का टॉप जो हमारा वो लग चुका है, प्लग वाला जो हमारा टॉप होता है कैप जिसको बोलते हैं वो लग चुका है। बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखो बाइक स्टार्ट हो गई है और अब दिखाता हूँ करंट वीक कर रहा है या नहीं। तो सेम प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा कर रहा था इसमें कम कर रहा है। ये देखो निकल रही है, ये देखो करंट वीक कर रहा है बट इसमें करंट वीक कम कर रहा है। ये देखो निकला ना, जा रहा जोर से निकला ना, तो ये प्रॉब्लम है, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो चलो अभी इसको सही कैसे करना वो बताता हूँ। देखो ये प्लग टैप मैंने निकाला, अभी तो मुझे इसमें नया चेंज ही करना है, पुराना वाला भी आप लोग समझ के आप लोगों की ज़रूरत नहीं। देखो ये वायर यहाँ से कटी हुई है, जो ये वायर जो यहाँ से कटी हुई है इसी जगह से हमारा करंट निकल रहा है। तो इसमें क्या करना है, हमको टेप मार देना है। वो वायर के ऊपर एक जो हमारी केबल जैसी होती है वो केबल आधी कटी हुई है, तो इस वजह से हमारा करंट दूसरी तरफ फेंक रहा है। अगर वायर हमारी कटी हुई नहीं होती तो हमारा करंट बाहर नहीं निकलता।
तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, टेप लगा देते हैं, पूरे में टेप मार देते हैं और फिर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, कि वैसे ही प्रॉब्लम है। जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो हो जा रही है बट जैसे ही रेस देते हैं ऐसा पिकअप छोड़ के बंद हो जाती है, मतलब झटके ले लेके बंद हो जाती है, बीच में ही बंद हो जाती, चलाते चलाते बंद हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी देखो पूरे में टेपिंग कर लिया हमने और अब मैं इसमें लगाता हूँ, ये लगाया और अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। देखो बाइक स्टार्ट हो गई, वो सॉरी एक मिनट, बाइक स्टार्ट हो गई और अब देखो इसमें करंट जरा से भी वीक नहीं हो रहा है। देखो इंजन के पास, कैप पैक के पास जो हमारा करंट वीक हो रहा था, निकल रहा था, वो जरा से भी करंट नहीं निकल रहा है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। तो जो मैंने प्लग कैप पे टेप लगाया है इससे अब ये हो जाएगा फ़ायदा कि हमारी जब भी बाइक बारिश में भीगेगी तो अब पानी उसमें नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो हमारी बाइक का करंट वीक नहीं करेगा। और अगर बाइक का करंट वीक कर रहा है तो आपकी बाइक इसी तरीके से चलेगी, झटके लेगी, कभी स्टार्ट होगी कभी नहीं होगी और रेस वगैरह प्रॉब्लम करेगी। तो बाकी सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दी, तो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।